अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं इस चैनल नाज़िया इफ्तिहार व्लॉगर चैनल में आपको गोश्त और पालक जो रेसिपी है वो बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करती हैं। सबसे पहले हम लोग पालक को बारीक काट लेंगे। तो हमने पालक को काट के रख लिया है। अब हम लोग इसको अच्छे से धो देंगे ताकि इसमें से मिट्टी वगैरह बिल्कुल साफ़ हो जाए, और इसको एक टोकरी में रख लेंगे ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। पालक को अच्छे से धो लें। पालक को हमने धो लिया है। अब हम लोग इसको बर्तन में डालेंगे ताकि उबलने के लिए रख दें। अदरक और लहसुन हम लोग बारीक पीस लेंगे, कूट लेंगे। बारीक कर लिए। हंडिया में हमने प्याज और घी डाल के रख दिया है। प्याज को ब्राउन करते हैं। उतनी देर में हम लोग पालक को जो है वो मेल्ट कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। दोनों चीज़ें अच्छे से ब्राउन हो गई हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। काफ़ी सारा जो प्याज है वो मिक्स हो जाए। अब हम लोग हल्दी, सुरख मिर्च और नमक इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मसाले को अच्छे से भून लें ताकि इसका घी जो है वो भी ऊपर आ जाए और सारा मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो जाए, प्याज वगैरह। मसाला हमारा बन चुका है। अब हम लोग इसमें गोश्त डालेंगे। ये गोश्त को हमने उबाल के रख लिया था, यानी कि हम लोग बीफ इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अच्छे से भून लेंगे। अब हमने इसमें कटा हुआ जो टमाटर है वो भी डाल दिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और बीफ के साथ इसको भून लेंगे ताकि ये भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें पिसी हुई काली मिर्च, खुश्क धनिया और ज़ीरा, यानी कि ये तीनों चीज़ें जो है हम लोग अब इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हंडिया का ढक्कन जो है हम लोग बंद कर देंगे। गोश्त जो है वो अच्छे से भुन गए। अब हम लोग इसमें पालक डालेंगे जो हमने मिक्स करके बॉईल करके हमने रखी थी।
अब हम इसको 5 मिनट तक पकने के लिए रखेंगे ताकि इसमें से जितना जो पालक के अंदर पानी है वो सारा इसके अंदर मिक्स हो जाए और खुश्क हो जाए। सालन हमारा तैयार हो गया, बिल्कुल बुझ गया। अब फाइनली हम लोग इसको डिश में डालते हैं। तो फाइनली खाना जो है वो तैयार है, यानी कि पालक और बीफ रेसिपी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। तो इस तरह आप भी अपने घर में बनाएं। सर्दियों में ख़ास तौर पर इस खाने का बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि पालक भी गर्म होती है और बड़ा गोश्त है वो भी, बीफ जो है वो भी गर्म होता है, तो इससे सर्दी भी कम लगती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।